हरियाणा में अगर कोई मेरे से सस्ती बना देता हो, अगर अगर इस भाव में अपना दूध जी, तो जितने व्यापार से मेरे कस्टमर आते हैं उनको फ्री दूंगा मैं जी जी। मैं आज आपके चैनल पे ये बात कह रहा हूँ, मेरे पास भी बहुत आते हैं कस्टमर बाहर से जी जी। मेरे पास 10 भैंस खड़ी, तो उन्हें बाहर घुमा के लाओ, पहले बाहर देखते हैं जो भाव में यहाँ दे रहा हूँ ना, पूरे हरियाणा में कहीं घूम लो साहब, अगर कोई देता हो तो। आप इतने वीडियो बनाते हो, बिल्कुल इस भाव में कोई भैंस देता हो जी जी, ये भाव मैं आपको पूरे रसीद दिखा दूंगा। ये नहीं है भैंस महंगे लिए हो, भाव कम बता दिया हो जी, सुनना नहीं है जी जी जी। तो भाव मैंने पहले वीडियो में मांगा है जी, वो उन्हीं भाव में कम से कम 4-5 हज़ार रुपए कम करके मैं पैसे दे रहा हूं। सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। यादव डेयरी फार्म रेगुलर आपके लिए अच्छे पशु लेके आ रहे हैं, उसी प्रयास में एक साथ इकट्ठे पशु दिखा रहे हैं। तकरीबन सेल परचेज के काम करने वाले जो पशुपालक हैं उनके यहाँ से आज हम कहेंगे फिर से, काफ़ी भाइयों की डिमांड रहती है क्योंकि सबसे जायज़ रेट में पशु अगर मिल रहे हैं तो वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में मिंगड़ी खेड़ा से आपको रेगुलर वीडियो मिल रही हैं। तो आज की वीडियो हम लेके आ रहे हैं रिद्धि सिद्धि डेयरी फार्म मिंगड़ी खेड़ा हिसार से, समीर भाई के फार्म से आज ये पशु जो बिके हुए हैं उनकी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बिके हुए जो पशु हैं उनसे ये पता लगता है कि इकट्ठे इतने पशु सेल होके भी कहीं जा रहे हैं, बिक्री के लिए तो रेगुलर आते रहते हैं। तो समीर भाई से आपको एक बार मिलवाते हैं और पशुओं के बारे में जानेंगे। नमस्कार समीर भाई। नमस्कार। आज टोटल कितने पशु दिखा रहे हो? टोटल पशु तो आज अपने पास 22 है साहब जी, 12 भैंस है हैदराबाद जी जी, हैदराबाद। तो पहले नंबर से शुरुआत करें, क्या डिटेल है? इसमें बात की है जी, अभी तक 15 दिन दूध दिखा रहा है। अच्छा, हाँ, ये घोड़ा बच्चा है इसमें जी जी, ये 10-12 दिन की गई होगी जी जी। कटड़ा या कटड़ी साथ में? कटड़ा। ये देखिए, ये वैसे जो भाई ले आओ भाई साहब, जो भाई डेयरी फार्म चला रहे हैं उन भाइयों ने स्पेशल सिलेक्शन किया है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो दूध बेचने वाले भाई हैं वो ज़्यादा क्वालिटी पे नहीं जाते, उनको सिर्फ दूध से अपने पशु की पेमेंट पूरी करनी पड़ती है। साथ में जो इसकी जो आर्डर की क्वालिटी है, दूध वाला आर्डर है, पैर के बीच का, जब ये पैर उठाएगी चलेगी उसी टाइम ये आर्डर दिखाई देगा, ये देख सकते हैं आप। और इसके जो नसें आप देख सकते हैं साइड में, क्योंकि जो दूध का काम वाले हैं उनको सिर्फ दूध से मतलब है, क्वालिटी से नहीं है। तो आगे समीर भाई, ये तीसरे या चौथे भैंस की उसका भाव बता देते हैं, वो 96,000 रुपए की। पहले नंबर वाली 96,000 रुपए की, ये दूसरे नंबर वाली, इसमें तकरीबन 11 लीटर दूध तैयार है जी। ये पीछे आपके पीछे कटड़ी है जी जी, तकरीबन ये होगी 6-7 दिन की गई जी जी। दूध के हिसाब से 14 लीटर जी, दूध के तकरीबन 18 लीटर। ये किस भाव में दी है? ये 92,000 रुपए की, 92,000 रुपए में 17-18 किलो दूध अगर ये भैंस निकालती है, 14 लीटर 17-18 लीटर दूध जो पहले नंबर पे भैंस दिखाई है उसका भाई बता रहे हैं, और वो निकालेगी क्योंकि उसकी जो नीचे की क्वालिटी है वो अलग ही टाइप का आर्डर है, उसका चलते टाइम ही दिखता है, ये देख सकते हैं तड़ों की क्वालिटी। 14 लीटर दूध, और आप देख सकते हैं इस पेमेंट में भी जो साफ सफाई है नीचे से, आप जो ऑर्डर क्वालिटी देख सकते हैं आगे, काफी बड़े ऑर्डर की जी। ये 95,000 रुपए की जी, 11 लीटर दूध तैयार है अभी, 4 दिन की बही हुई है मौके पे, 11 लीटर दूध तैयार है, सींग खुला है लेकिन साइज अच्छा, और नीचे से आप देख सकते हैं इसकी जो ऑर्डर क्वालिटी है, ले आओ भाई, काफ़ी शानदार, बिल्कुल चारों थन अलग अलग, काफ़ी बड़े साइज़ का आर्डर, क्योंकि जो दूध के जानवर हैं उनमें अगर हम वो भाई 1.5-2 लाख रुपए वाली का सिलेक्शन करें तो फिर वो पेमेंट पूरी होने में मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये किस भाव में दिए भाई, किस रेट में दिए समीर भाई? 95,000 रुपये में आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से 1.5 लाख वाली में भी इतना शानदार नीचे से आपको साइज आर्डर का नहीं मिलेगा। आगे ये चौथे नंबर पे आपकी पिछली वीडियो में आई थी जी, इसका भाव हमने उसमें किया था 1,10,000 जी, ये 1,03,000 रुपए की जी जी। अभी 14 लीटर दूध तैयार है, 14 लीटर दूध उस टाइम खींच से खाली होती थी, आप तकरीबन 8 दिन की ब्याई होगी जी जी। 1,03,000 रुपए में दिए, 1.10 का रेट किया था, जो इस तरह इकट्ठे पशु बेचने वाले हैं वो रेट में भी लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं रखते। ले आओ भाई, सींग थोड़ा भारी है लेकिन शरीर पे जम रहा है, 14 किलो दूध मौके पे तैयार, वजन वाली भैंस है, बहुत भारी भरकम भैंस है, ये देख सकते हैं ज़्यादा भारी भैंस पे सींग है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, ये देखिए
और नीचे से जो अदर क्वालिटी इसकी भी काफी साफ सुथरी, आगे एक और ये इसके बाद तीसरी बात ये खुर जी, ये कल शाम को किससे खाली की थी? जी जी नहीं, कल सुबह किससे खाली की थी, शाम को दूध निकाला था 4 लीटर। जी जी, और अभी थोड़ी देर में दूध निकालेंगे पता चल जाएगा साहब। किस रेट में दिए दूध? दिए तकरीबन ये भी 13-14 लीटर। जी जी, ये दिए 92,000 रुपये की। 92,000 रुपये की। कम से कम किस रेट की भैंस जा रही है अपने पास से वहाँ? कम से कम इसमें जा रही है 75,000 रुपये की। 75,000 रुपये की। ये देखिए नीचे से जो इसकी क्वालिटी है, थन किसी भी भैंस का थन आपको इतना लंबा इतना लंबा नहीं मिलेगा जो डेयरी में जा। जी जी, काफ सभी भैंसों के पीछे बंधे हुए हैं जो ये देख सकते हैं, जो इसका तांदुआ है वो साथ में है। सभी भैंसों के बच्चे पीछे बंधे हुए हैं क्योंकि एक एक भैंस का बच्चा इसलिए नहीं दिखा रहे, कौन सी ब्रीडिंग एवज की भैंस है, दूध बेचने वाले भाई हैं, दूध का काम करने वाले। ये वाले कौन? ये भाई साहब समीर। ये तीसरे भी आपकी है जी। किस खाली होते 9 लीटर दूध तैयार है इसमें? 9 लीटर दूध। ये कितना निकाल देगी दूध? निकाल दे 13 लीटर। 13 लीटर दूध भाई का कहना है निकाल देगी। ये किस भाव में निकाल दे? तो नहीं निकालेगी, 13 लीटर दूध निकाल दे। 90,000 रुपये की दी है। 90,000 रुपये की ये भैंस इन्होंने सेल की है। साइज आप देख सकते हैं, टेल थोड़ी वाइट है, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, 85, 90, 92, 75 एक लाख के अंदर अगर कोई भैंस 13 किलो भी दूंगा, हरियाणा अगर कोई मेरे से सस्ती भैंस देता हो, अगर अगर इस भाव में इतना दूध जी, तो जितने भी बार से मेरे कस्टमर आते हैं भैंस उनको फ्री फ्री दूंगा मैं। जी जी, मैं आज आपके चैनल पे ये बात कह रहा हूँ, मेरे पास भी बहुत आते हैं कस्टमर बार से। जी जी, मेरे पास 10 भैंस खड़ी तो उन्हें बार घुमा के लाओ, पहले बार देखते हैं जो भाव भाव में यहाँ दे रहा हूँ ना, पूरे हरियाणा में कहीं घूम लो साहब, अगर कोई देता हो तो आप इतने वीडियो बनाते हो। बिल्कुल, अगर इस भाव में कोई भैंस देता हो जी जी, ये भाव मैं आपको पूरे रसीद दिखा दूंगा। ये नहीं है भैंस महंगे लिए हो, भाव कम बता दिया हो, जी जी नहीं है। जी जी जी, तो भाव मैंने पहले वीडियो में मांगा है जी, वही उन्हीं भाव में कम से कम 4-5 हज़ार रुपये कम करके मैं पैसे दे रहा हूँ। जी जी, और आगे ये वाली चौथे भी आते गए, पिछली वीडियो में भी आई थी जी भाव, उसमें मैंने भी 80,000 रुपये किया था आपका। जी जी, 80,000 रुपये की सेल की है। 80,000 तो अभी 13 लीटर दूध तैयार हो गया इसमें, 8-9 दिन की ब्याई है। 13 लीटर दूध 8-9 दिन की ब्याई हुई में, और साइज आप देख सकते हैं, थन थोड़ा लंबा है, बाकी भाव ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कितना दूध निकाल देगी वैसे? दूध तो मेरे अंदर 14 लीटर दूध देगी साहब, ये मैंने पिछले पहले बताया, उससे ऊपर दे दो अगले का बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक चीज मैं बता रहा था, जो एक तकरीबन 1.5-2 लाख वाली भैंसे हैं उनमें क्वालिटी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको अगर 1 लाख के अंदर कोई भी पशु मिलता है तो बिल्कुल जायज रेटों में, अगर वो 12 किलो दूध भी अगर निकाल देता है, क्योंकि ज्यादातर आजकल कटड़ियां बिक रही हैं 40-40, 50-50 हज़ार रुपए की, तो अगर हम 1 लाख में भैंस ले रहे हैं 10-12 किलो दूध की, तो वो भी काफी अच्छी है। दूसरे भैंस के 78,000 की, 11 लीटर भी मौके पे दूध तैयार है। 11 लीटर दूध मौके पे तैयार मात्र 78,000 रुपए में। साइज आप देख सकते हैं, टाइट अडर की है, और मैं बता रहा था कि इस रेट में आपको शायद ही पशु मिलेगा, क्योंकि एक वीडियो कोई बनवा सकता है पशु, वो चाहे घर से लगा के भी दे सकता है, लेकिन ऐसी रेगुलर भैंसे जो बेच रहे हैं वो मेरे हिसाब से इस भाव में, भाई का कहना है ये सही है कि कोई पशुपालक प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। हैदराबाद के अंदर रॉयल डेयरी फार्म पटनम रोड के ऊपर, तकरीबन पिछले साल भी मेरी लगाओ बहुत से भाई ने वीडियो भी देखा होगा, 20 गाड़ियां मिली थी इंद्र सिंहवाल के चैनल से, जो मेरे वीडियो आया था। जी जी, और तकरीबन अभी चौथी गाड़ी जा रही है, आपको मैंने पहले 1-2 गाड़ियों की वीडियो नहीं बनवा पाया, 1-2 गाड़ियों की वीडियो दूसरे चैनल पर। जी जी, तो उनकी अभी तकरीबन 10-12 गाड़ियों में खरीद है। जी जी, तो इकट्ठे जो पशुओं की वीडियो इसलिए बनवाई जाती है कि जो भाई इकट्ठे लेने वाले हैं काफी जगह ठगी हो जाती है, पेमेंट डाल देते हैं, तो ये चीजें। ये कल शाम को किससे खाली करी साहब, अभी पता चलेगा कितना दूध निकाली, 3 लीटर देगी, 4 लीटर देगी। जी जी, 12 लीटर दूध दे देगी। जी जी, और ये 85,000 रुपये की दी है। जी जी, तो ये पशु इसलिए दिखाए जा रहे हैं एक साथ की बिक के जा रहे हैं, कोई भाई अगर पेमेंट क्योंकि जो इतने पशुओं की लोडिंग है टोकन मनी से पहले होती नहीं, और रेगुलर अगर भैंसे बिक के जा रही हैं तो एक विश्वास जाहिर हो सकता है कि यहाँ से ऑल ओवर इंडिया भैंसे जा रहे हैं, तो कोई भी भाई है वो खरीदने के लिए एक मन बना सकता है या विश्वास कर सकता है। आगे ये भाई साहब इस भैंस की क्या थोड़ा खुला है। जी, ये मेरे को लग रहा है तकरीबन आज 20 दिन की ब्याई होगी, 14 लीटर दूध पूरा तैयार है, 75,000 रुपये की सेल की है। जी जी, ये सबसे कम कीमत की भैंस आ रही है। जी, सबसे कम कीमत की भैंस यही है, 75 लीटर मौके पे दूध आ रहा है इसमें। जी जी, टाइट है। जी जी, टाइट अडर के पशु बढ़िया दूध निकालते हैं भाई साहब, सींग
जब ये भैंसे दूध से हटेंगे उस टाइम पे अगर एक भैंस मान के चलिए आप 35 से 40-50 हज़ार के एवरेज में भी बिकती है, तो पशुपालक जो खरीद रहा है उसको कहीं ना कहीं हम कहेंगे बेनिफिट का जो सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा लागत हर कोई पशुपालक नहीं लगा पाता। ये समीर भाई ये तीसरे बात में है, हमने 80,000 रुपये की जी जी दूध 20 में 13 लीटर तैयार है जी जी, ये देख सकते हैं ऑर्डर की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है इसकी। सींग 12-15 दिन की ब्याई होगी साहब जी, कह दूं मैं 4 दिन की ब्याई इतनी है, वो सामने बच्चा खड़ा 15 दिन की ब्याई है जी जी, 13 लीटर दूध तैयार है, मैं 13 लीटर मान के उनको दी है, 13 लीटर दूध दी है जी 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 जी। ये देख सकते हैं इसका जो ऑर्डर है बहुत ही शानदार, काफी जोशीला, और लास्ट में ये भैंस है भाई जी जी, ये कौन से ब्रांड की है वैसे? ये दूसरे ब्रांड की है। अच्छा, ये किस भाव में जा रही है? ये जा रही है 78,000 रुपये की, फुल 78,000 रुपये की, तकरीबन 75,000 से लेके और अंडर 1 लाख में ये पशु जी। शाम को चीज़ से खाली ये काफ आप देख सकते हैं सामने, अभी पिछले थानों में पूरा भाववादी जो बोलते ना जी जी, ये देखिए जब पैर उठा रही उस टाइम पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो नीचे से थन मिले हुए हैं, वो एक ताजी भैंस में 22 या हम कहेंगे 15 लीटर बुलवा दो 11 लीटर जी जी जी। तो ये सभी पशु बिक के जा रहे हैं समीर भाई के पास से, और रेगुलर आपको यहाँ पे पशु मिल जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया इनकी सप्लाई है, और हमारा प्रयास की वीडियो के माध्यम से जो भी भाई पशु खरीदने आ रहे हैं उनको हम हर तरह का पशु दिखाएं, जायज से जायज रेटों का और अच्छी क्वालिटी का, वो चाहे भाव में तेज या किसी भाई को, काफ़ी भाई जो कमेंट करते हैं कि ये भैंसे 60,000 की 50,000 की जब खरीदने निकलते हैं, अगर उन भाइयों की बात को भी हम पूरा करते हैं, अगर हम 60-70,000-80,000 की भी एक भैंस को मानते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए आज इतनी रकम लगा के भाई ने इतने पशु इकट्ठे किए, किसी से पूछ के नहीं किए कि आप खरीदने वाले हो या नहीं, क्योंकि इनका खुद का तजुर्बा है और अच्छी खासी पेमेंट लगा के एक रिस्क उठाना पड़ता है, तब अगले को 4 बार ही अच्छी लगती है तब खरीदता है, घर बैठे या फिर हम कहेंगे अच्छी खासी कोठियों में बैठ के कमेंट करने में इतनी हिम्मत नहीं लगती। एक भैंस अगर 2 किलो दूध भी घटाती है तो पसीने निकल जाते। कोई भी भाई पशु खरीदना चाहता है, इनका मोबाइल नंबर रेगुलर स्क्रीन पे चल रहा है, किसी भी टाइम आप विजिट कर सकते हैं, और ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है, नाम रिद्धि सिद्धि डेयरी फार्म से लेके आ रहे हैं, नाम से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बाकी देखने वाले भाई खुद आंकलन कर सकते हैं। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सभी को वीडियो के लास्ट में मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।